और ये ठीक लगाई है।
और मारना चाहते थे मगर तुरंत पैर फैला लिया है। अच्छा खेल दिखाते हुए कुर्ता टेम सोचा बॉल को लगे अच्छे से मारे जाते हैं। दोनों पालघर जिले के और नासिक जिले के लिए है। दोनों टीम में अच्छा खेल चलता हुआ सभी प्रेसर के गांव गांव खामोश होकर सब का फैसला देख रहे हैं। वन पॉइंट कुर्सा करेगा और शायद कोई अगर ऐसा समय देने होगा तो आगे स्टेज पे और पीछे जाके आगे लौट गया। अच्छा पकड़ गया है सीधा ब्लॉक कर दिया था। रेड पॉइंट मिलेगा कुर्सा को। आखिरी खिलाड़ी बढ़िया है भरत भाई शायद सुपर टैकल करना चाहते हैं। वन प्लस थ्री पॉइंट मिलेंगे मतलब कुर्सा के पास लीड है आठ पॉइंट की लीड है। लहर आगे जाके और को टच करना चाहते थे। अच्छे रेड मारते हुए भाई अपना दिखाते हुए अशोक अपने सभी बड़े बड़े प्रेसर इधर अपना कबड्डी का मजा लेते हुए उनका कुमसेत की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। पूरा इतना दस हजार के ऊपर इतना इधर आदमी लोग कबड्डी का मजा ले रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन। आठ नंबर जर्सी अभी अच्छी रे रनिंग हैंड ऊपर में जाते थे और अभी जो अंपायर बोलेगा वही आखिरी निर्णय रहेगा भाई। अंपायर के आगे ज्यादा बोलेगा तो टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। और पहले आपका तीन मिनट बाकी है। ये गेम 10-10 मिनट का खेला जाता है मतलब 10 मिनट का एक हाफ होगा दूसरे 10 मिनट का एक हाफ होगा ऐसा 20 मिनट का खेल होगा। ये दो डायरी रहेगी भाई रुकी की आवाज सुनने की और समझने का कि ये दो डायरी रहेगी तो क्या मौके स्थिति उसके हिसाब से खेलेगा। जब जब ये चौकी बजेगी अच्छी जंप दी ली मानना पड़ेगा भाई बहुत अच्छा जंप लिया सुपर रेड मारे क्योंकि शायद इधर अपना नाम नहीं पता इसलिए नाम नहीं ले सकते। अच्छा डिफेंस किया है भाई साहब जख्मी नहीं होना चाहिए खिलाड़ी आराम से सब अपने है। सुपर टैकल ऑन सेवन स्टार कोलकाता एंकल होल्ड करेंगे तो दो पॉइंट मिल जाएंगे शायद विजय की भी कमी है इसमें। विजय और सुनील भी नहीं है दोनों की कमी है इसमें सेवन स्टार कोलकाता में।
अभी कुर्जा टीम लीड से खेल रही है, इसलिए ये अजय आए हैं आगे बोनस पे जाके खेलना चाहते थे। अच्छा डिफेंस लिया, वन पॉइंट कुर्जा। ये चमत्कारी खिलाड़ी देखो भाई, अभी इसका खेल देखो तू, कैसा डांसर है ये, तो शायद जंप लेगा। ये देखो जंप लिया और कैच लिया, अच्छा टैकल किया, सुपर टैकल, दो पॉइंट मिल जाएंगे गोलमोटा टीम को। पहला सुपर टैकल इधर हुआ है, अच्छी वापसी करते हुए गोलमोटा टीम, शायद जितना है तो इसे डिफेंस करना पड़ेगा। अंपायर की लास्ट रेड है, पहले हाफ की आखिरी रेड, और एक खाली रेड, टाइम आउट नहीं मिलेगा आपने को भाई, इसके बाद आपको खेलना है। और ये सामना स्टार्ट, ये भी भरत नौ नंबर रची वापसी करना है, तो बड़े बड़े बीच में जाके खेलना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा अंदर गए और पूरा ब्लॉक कर दिया, पूरा दोनों तरफ खेल लिया, आखिरी दो खिलाड़ी बचे हैं। दोनों टीम को एक एक पॉइंट दिया गया, अभी शायद पकड़ लेते तो ये सुपर टैकल हो जाता। दोपन अभी अच्छी रेड करते हुए भारत, हमारे यार बिल्डर की तरफ से पंचगिरी करेंगे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि वो भी बहुत देर से खड़े हैं, अच्छी तरह से आंख में तेल डाल के देखना पड़ता है भाई, टच करता है कि नहीं खिलाड़ी, वो आंख में तेल डाल के देखना पड़ता है, क्योंकि वो पंच है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। उर्दा वन प्लस टू पॉइंट, हट्टे गिट्टे खिलाड़ी लंबे कद के, और रुपेश राय दो नंबर दस से, क्योंकि अपना लीड ज्यादा है तो वो भी क्लास करके ज्यादा रिक्स नहीं लेंगे, अभी रिक्स लेना है तो सेवन स्टार कोलकाता को, अभी ऊर्जा टीम तो ज्यादा रिक्स नहीं लेगी, अभी जगन को ही कुछ करना पड़ेगा। कमाल, अभी अपने पास वक्त है, ऐसा नहीं कि ये लीड पार नहीं कर सकते, ये लीड पार हो जाएगी, शायद ही पार कर दिया, सेवन स्टार गोलकोंडा टीम का हेडअप पार किया गया, ये तो लीड पांच मिनट में भी पार हो सकते है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। पैर फिसल गया और अच्छी जंप ली ऋतिक, अपना जो सुपर रेड कुर्जा की तरफ से, ये बहुत शांति से खेला जा रहा है, महाराष्ट्र का भी मैच चलता हुआ था और सुपर टैकल ऑन रहेगा, शायद ये खिलाड़ी को एंकल होल्ड करेंगे तो दो पॉइंट मिल जाएंगे सेवन स्टार गोलकोंडा को। कोई डीएन से आया होगा कमेंटेटर, अच्छा तो आ जाइए, कीक लगाना चाहते थे आज लोग, तुरंत जाके कीक लगाना चाहते थे, लेकिन बहुत बच के खेल रहे हैं ऊर्जा टीम, वो भी जल्दबाजी नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पास लीड है, वो जल्दबाजी नहीं करेंगी, क्योंकि वो बाहर बाहर बहुत खेलते हैं, पीछे से अंकल करना चाहते थे और ये हाथ को पकड़ लिया, वन पॉइंट ऊर्जा। चुप चुप,
सॉरी सॉरी, अभी गलती होता है भाई, थोड़ा बात सभी पैसे बहुत शांति से खड़े, टाइम आउट लिया। लीड पे खेल रही है पूजा टीम, क्योंकि वो पालघर साइड का अच्छे पीछे जाके भागना चाहते थे। वन पॉइंट कुर्जा, फोर रेड कुर्जा, आखिरी खिलाड़ी बचा है, पकड़ेगा तो सुपर टैकल हो जाएगा, दो पॉइंट मिल जाएंगे सोलह स्टार कोलकाता को। छोटे कद के खिलाड़ी अपना क्या कमाल दिखाएंगे, देखो सात नंबर जर्सी शायद धोनी का फैन है, लेकिन देखो छोटा है फिर भी 10 पॉइंट लेके गया है, मानना पड़ेगा छोटे को। छोटे को बाद में चॉकलेट दे देना, क्योंकि अभी आया पहली रेड में। अंपायर जी इसके बाद ये हो जाने के बाद बता दो, 5 मिनट बचा है। मालू की किंग, सॉरी मालू की बी और वाड़ी किंग रेडी नहीं रहेगा तो दूसरा अगला मैच खेला जाएगा। रेडी होगा तो तुरंत घर ग्राउंड पे आ जाएगा। किसी का खिलाड़ी नहीं रहेगा तो इधर आके बताने का कमेटी में, क्योंकि हमारा बाकी खिलाड़ी नहीं आया तो ऐसा बता लेने का। इसके बाद बेड़पावर गुंसा, ये तो शायद स्टार, दोनों टीम स्टार है। इसके बाद खेला जाएगा बेड़पावर गुंसा डीआई, शायद ये कड़ेगान में भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था गुंसा और बेड़पावर, क्योंकि कड़ेगान 2 साल से कबड्डी नहीं हो, कबड्डी का टूर्नामेंट रखा गया है। इस साल तो बातें कर रहे थे लेकिन क्या करते पता नहीं, रखेंगे तो अच्छा बात है, क्योंकि कड़ेगान में भी बहुत सारे कबड्डी के फैन हैं। और किक लगाया कुर्ता टीम के अच्छे रेडर छोटे बद के, लेकिन लंबा किक लगाया, 1 पॉइंट मिलेगा, सॉरी 1+2 4 पॉइंट मिलेगा कुर्ता टीम को। 3 बार ऑल आउट किया गया, ऐसा भी ड्रिल क्योंकि इधर देखना पड़ता है, देखो अपने आदिवासी इधर सब खिलाड़ी खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी देखने के लिए मिल रहे हैं। मालूम की ए और बी कौन सा एंट्री आया, अभी ये अभी तो शायद छोटू को टैकल करेगा, सेवन स्टार कोलकाता पहले रेड में छोटू पॉइंट लेके गए थे, ये अच्छा एंगल हो गया। इसके साथ और ये दूसरा टैकल, शायद पहले ऐसे टैकल करते तो वापसी कर सकते थे सेवन स्टार कोलकाता, लेकिन मेरी तरफ से तो कोलकाता टीम कुछ नाराज ही होगी, अच्छा खेल नहीं दिखाया।
क्योंकि सुनील और विजय और भी ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, दोनों नहीं आए। लास्ट एक मिनट बचा है। अच्छा आखिरी बार बता रहा हूँ, आलू की भी और वाड़ी की रेडी नहीं तो खिलाड़ी नहीं तो इधर बता दीजिए, क्योंकि भाई साहब दूसरा मैच भी हम लोग दूसरा मैच खेलेंगे। अच्छा टैकल किया, प्लस बोनस मिल जाएगा शो स्टार कोलकुंडा को, और यह आखिरी रेड रहेगी कुर्सा को मिल जाएगी। आखिरी रेड फर्स्ट रेड की थी कुर्सा, और आखिरी भी मिल जाएगी कुर्सा को। शायद पहले रिक्स लेते तो कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है।